मैं अपने गांव लेके जा रहा है, देखो किस तरह लेके जा रहा है। हम वैन के ऊपर चढ़े हुए हैं, देखो कैसे छत के जो सफर में ना मैं और जो है अली है ना पहली दफा छत पे बैठ के जा रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है बहुत मजा आ रहा है, बहुत ठंडी हवा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है अभी। ऐसा कितना अभी 2-3 घंटे हम और छत पे बैठ के जाएंगे आगे, तो बड़ा मजा आने लगे। ऊपर से सूरज भी नीचे जाने लगे, रात को और ज्यादा ठंड होगी। अमार ने कोरोना को मोड ऑन कर दिया। अब कोरोना को हम तो हैं यार। हम लोग जाते चढ़ाई आई है यहाँ पे, आगे वैन जा रही नहीं है तो आधी सवारी को उतार दिया गया, कुछ सवारियाँ वो जा रही हैं अभी, आधी उतर रही हैं। हम लोग भी नहीं उतरेंगे क्योंकि हम यूट्यूबर हैं। हम जरा उसमें जाएंगे प्रोटोकॉल। ऑटो निकल ये है जी, छोक छोक दरबार। जैसे जैसे शाम होती जा रही है मुझे तो ठंड लगती जा रही है। ध्यान क्या आता है यार, ठंड अच्छी खासी। तो अली भाई ठंड कैसी है? चमुट्टे हुए हैं एक दूसरे के साथ। किसके साथ? हसन के साथ? दोनों के साथ यार, आपके साथ भी भाई। मैं साइड मारी यार, रेहान के साथ। तकरीबन 7-1 बज गए होंगे लेकिन अभी भी हम लोग ऊपर छत पे बैठे हुए हैं। ठंड से सही तरह हमारे टाइट हुई हुई है। हम लोग मारे हुए क्लावे क्या मारे हुए यार। घर में जैसे ही हम लोग गए थे सीधा हमने चादर उठा लिया, मैंने और रियान ने चादर ले ली है। बड़ी ठंड लग रही है यहाँ पे। मार तुम्हारा क्या सीन है यार? मारा ठीक है, का सिस्टम लगा हुआ है, डंगर सिस्टम। ऐसे निदरा दरा क्या है? क्या है क्या है? इधर सर्दी से मार रहे हैं दोनों यार, बड़ी ठंड है यार। ऐसे हम लोग गांव में ना जब खुसरे आते हैं तब बैठे होते हैं। चटा साहब आप क्या कर रहे हो यार? इस टाइम तो मैं कोल्ही सतिया में हूँ, अखरोट खा रहा हूँ। सर्दी लग रही है ज्यादा। अच्छा, तो मैं एक गर्म हो रहा हूँ अखरोट खा। हम भी फिर अखरोट खाएं? हाँ बिल्कुल, ये ले तोड़ के दे हमें सर। Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way. फिर हम लोग अपने साथ जरा बारबेक्यू का सामान भी लेकर आए थे, तो अभी हम लोग बारबेक्यू करने लगे हैं। सारे सारों ने अपना अपना टाइम काम ले लिया। अभी मैं जो हूँ कोयले चलाने लगा हूँ। मार को हमने काम दिया हुआ है, गोश्त मैरिनेट कर रहा है। ये कच्चा गोश्त इतना खाता है ना, इधर देखो जरा। हाँ, कच्चा गोश्त क्यों खाता है? शौक है भाई, इसके नोखे नोखे शौक पाले हुए इसने। जब जाता है उस घर में जिस वक्त जाता है उठा हो जाता है उधर योश असर हो जाता है उस चीज का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डर निकल गया था, मैंने दम कराया था। मैंने दम कहां से कराया था?
गोल्डन शीप लेके थे मुझे यार, आधे घंटे से लगे हुए ये और माल लगे हुए जिन्हों की बातें कर रहे हैं भाई, कुछ तो जरा ध्यान रखो हमारा। क्या हुआ है यार, जिन्हों की स्टोरियों से ऐसे डरा हुआ बाहरी नहीं जा रहा। अली को कह रहा आज बाहर चले जाओ जाओ। अली तुम्हें भी डर लग गया? इधर पहले हम लोग डरे हुए थे, ऊपर से लाइट भी चली गई। नहीं मैं डरा नहीं हूँ वैसे, बट आई एम प्रिटेंडिंग। I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move is on. फिर तकरीबन मैं और अली 7 बजे 6:30 बजे उठे हुए हम जिसके घर आए। मैं वो सुबह सोया हुआ सब हमारे पेट में चूहे नाच रहे हैं हमारे, कसम से इतनी भूख लगी हुई है। सुबह 4 बजे जब हम सोए थे तब भी इतनी भूख लगी थी, उठो ना नाश्ता का कोई इंतजाम करो। तो भी 8 हुए 8 किधर हुए, 11 हो गए हैं अभी, जा 8 हुए हैं, 11 हो गए, उठो To be honest, it has never brought me down. No, 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 no. I'm really glad I'm not walking around believing my inflated egg brain has figured it out. And suddenly you realize that everything you'd ever told. इधर से आगे यहाँ से जाओ तो पटरेडा आता है, यहाँ पे मरी वाली साइड पे ये। किसने को बोला था यार मेरे लिए शलवार लेकर आ जा, मैंने नहाना है क्योंकि स्विमिंग का मैं बड़ा शौकीन हूँ। असल में मुझे ना घर से मैंने निकर लेकर आनी थी लेकिन वो बस किसी वजह से मैं ला नहीं सकता, मुझे याद ही नहीं रहता। तो अभी देखते हैं कोई जुगाड़ निकालता है स्विमिंग के लिए यार। से वीडियो है की मानो इतना कुछ ठंडा पानी था, जब पानी में गया हूँ मेरी तो सांस रुक गई थी, बहुत ठंडा पानी था यार। यार जो सही नया ना उसे मैंने नया, ठीक है, बाकी में से सिर्फ किसी ने नहीं नया, सिर्फ इसने एक दफ़ा डुबकी मारी है और रेहान ने सिर्फ डुबकी मारी है, बाकी मैं 20 मिनट नहाऊँगा पूरा वैसा ठंडा। यार सीन ये है कि स्विमिंग वगैरह हमने कर ली है और बस ये एंड टाइम है हमारा यहाँ पे। इसके बाद अभी हम लोग वैन का वेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल रोड साइड पे हम लोग का घर है, ठीक है, यहाँ से वैन आएगी, यहाँ से हम लोग ने चले जाना है वापस पिंडी। फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक लिए फिर अल्लाह हाफिज़। आते वक्त तो ड्राइवर ने जरा भी स्पीड नहीं मारी थी, अभी तो उसने फुल 120 की स्पीड मारी हुई है यार।